चलिए दोस्तों, आज हम टूल इन्फो 123 के ऊपर आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो एक इलेक्ट्रिक स्प्रेयर गन है। 400 वॉट्स की है ये, और ये कलर के लिए बहुत उपयोगी है। इसको आज हम अनबॉक्सिंग करके आपको बताते हैं। सील पैक बॉक्स है जो हम आपके लिए खास लेके आए हैं, देखिए। और इसमें 6 मंथ की वारंटी भी इसके ऊपर मेंशन की हुई है। बॉक्स हमने खोला हुआ है। बॉक्स में पहले तो हम जो भी सामान है उसको एक बार निकाल लेते हैं। गन है, पूरा बॉक्स खाली हो चुका है, देख सकते हैं आप। बॉक्स को हटा देते हैं और बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ये थोड़ा प्रोटेक्टिव केस है बॉक्स का, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। जैसे बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, तो गन चेंबर है, और ये कलर भरने के लिए लगता है ये इसका भरने वाला है, स्कूप दिया हुआ है, और अंदर फाइनली ये गन है। देखो, बहुत ही बढ़िया सी गन है, और बनावट इसकी बहुत बेहतरीन है। ग्रिप देख लीजिए इसका, इसको हैंडल, इसको केयर करने के लिए आपको लटकाना हो तो उसको लटका भी सकते हैं आप अपने पॉकेट में। इसका वायर, ये इलेक्ट्रिक गन है, और ये जो वायर है ये भी प्रोटेक्टिव इसके अंदर आया हुआ है, देख सकते हैं आप। वेलक्रो है इसके अंदर, बहुत ही काफी लंबा वायर है, तकरीबन 3 से 4 मीटर का वायर है, नहीं नहीं 3 मीटर का वायर है, 2 मीटर का वायर है। आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर वायर आपको ज्यादा चलने का। अब ये फाइनली ये गन है, इसका हम आपको डेमो भी बताएंगे। डेमो के अंदर भी हम इसके अंदर फील करके आपको बताएंगे कैसे काम करता है और कैसे इसको यूज करना है। इसको थोड़ा सा इसका मैनुअल देख लेते हैं। थोड़ी साफ सफाई करने के लिए इसके अंदर सब छोटा छोटा टूल्स है जिससे आप इसको साफ कर सकते हैं। वाह, इसके अंदर तार का एक ब्रश है, और एक इसका क्या है हम आपको इसका फीचर बताएंगे। और ये भी लगता है कुछ इसको साफ करने वाला, इसकी नोजल को साफ करने के लिए है ये हम आपको इसका पूरा डेमो बताएंगे, ठीक है। तो तो चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं इसके साथ हमको कौन से कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ये यहाँ पर हमारे पास जो कलर का टैंक है वो, और स्पेशली स्प्रे गन जो है वो यहाँ पर हमको मिल जाएगी। दोनों को अटैच कैसे करते हैं और केबल को अटैच करके मैं इसका फुल डेमो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम हारून भाई के पास जाते हैं। हारून भाई, इसको इंस्टॉल करके बताइए प्लीज। पहले तो हम इसकी बेसिक जानकारी ले लेंगे। इसका ये खोलने वाला जो ढक्कन है, जैसे हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ये दी हुई है गलनी। गलनी के अंदर आप कलर डाल के इसको इसमें चालू में भी कलर इसको भर सकते हैं। इसको साइड पर रख देते, और ये जो ढक्कन है इसको आप, ये एयर टाइट ढक्कन है, इसको आप ऐसे करके पैक कर देंगे तो ये पूरा ढक्कन पैक हो जाएगा। और ये पूरी नीचे की जो कैन है ये भी पूरी खुल सकती है ऐसे करके। और इसके अंदर बाकायदा ये पूरा इसका दिया हुआ है नोजल दी हुई है, जिससे ये पंप ऊपर खींचेगा अपने। और ये भी एयर टाइट है, तो आपका अगर कोई भी काम करे तो इसको सही से बंद करिएगा। इसके ऊपर आपको ML लिखे हुए है, व्हाइट कलर में इसको आपको ML लिखे हुए है। 300 ml, 500, 700, 900, मतलब 1 लीटर की ये कैन है। 1 लीटर का आप इसके अंदर कोई भी कलर भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं, लिक्विड कलर भर सकते हैं आप इसके अंदर। और दूसरा के सेटिंग के अंदर हम देख ले, ये जो इसका सेटिंग है ये आपको इसका जो आगे का जो फवारा है उसको, फवाड़ों को चौड़ा या कम करने के लिए ये इसका सेटिंग है। और इसके पीछे और एक भी सेटिंग है, आप देख पा रहे हैं, ये और भी ब्रॉड कर देगा आगे के फवारे को, स्प्रे को बड़ा कर देगा और छोटा, और ये स्प्रे को एकदम छोटा कर देगा। डायरेक्ट स्प्रे, एक आपके फोकस होगा एक स्प्रे का, और ये पूरा फैल के, जैसे कार वगैरह हम लोग पेंट करते हैं तो पूरा फैल के ये काम होगा। और उसके आगे का ये भी आपको बहुत काम लगेगा, अलग अलग तरीके से आप एयर निकल पाएंगे और हर चीज कर सकते हैं। ये आपकी मशीन का स्पीड कम ज्यादा करने के लिए आपको यहाँ सेटिंग दिया हुआ है, सेटिंग दिया हुआ है जो हम आपको अटैच करके बताएंगे, उसमें ये कैसे काम करेगा वो भी आपको बता देंगे। मशीन की जानकारी ले ले तो मशीन के पीछे ये 400 वोल्ट का मोटर लगा हुआ है जो पीछे से हवा को खींचेगा, अंदर उसको फिल्टर करके डायरेक्ट हवा को पंप करेगा, जिससे आपका स्प्रे यहाँ से निकलेगा और साथ में आपका अंदर का कलर भी निकलेगा।
और इसके अंदर ये है, ये जो स्विच है ये स्प्रे गन के साथ मैन्युअली ज्वाइंट की हुई स्विच है, और ये उसका लॉक है, ये जो कैन है ये कैन उसमें लॉक हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको इसको लगा के बताता हूँ कैसे लगाना है। ये आपकी जो गन है इसको इस तरफ रखना है और कैन को आपको इस तरफ से लेके आपको इसको पुश करना है, इसको ऐसे घुमा देना है, ये लॉक हो गया, ये अटक गया यहाँ पर। अब उसको लॉक जो नीचे का है इसको आपको ऐसे करके ऊपर कर देना है। ये कैन, कैन के अंदर भी एक लॉक दिया हुआ है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो आपका कैन फिर मूव नहीं करेगा। और ये जो मैंने आपको जो बताया था जो ब्लैक वाला सेटिंग है, जैसे इसको हम पुश करेंगे तो ये पीछे जितना भी रुका हुआ है, जैसे आपको ज्यादा स्पीड पे चलाना है तो और भी बैक जाएगा। ये देखो अभी ये मैंने और पूरा इसको जीरो कर दिया तो ये पूरा पीछे तक जाएगा, आपकी कैन की उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। और इसको आप भरा हुआ हो या खाली हो, आप इसको ऐसे टेबल वगैरह या अपने फ्लोर पे कहीं भी स्प्रे कर रहे हो उस पर आप यूज भी कर सकते हैं। और ये उसका उठाने वाला भी है, अगर आपको ऐसे पकड़ना है या कहीं पे आपको ऊपर काम कर रहे हो तो यहाँ पे भरा देना है, वो एस हुक के जरिए आप यहाँ पे ऐसे उसको भरा भी सकते हैं। इसको अब हम अपने प्लग में लगा के इसको प्लग में लगा देते हैं हम इसको। देखिए ये इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से लग जाएगा और गन खड़ा भी रह सकता है, इसके ऊपर टांगने के लिए भी आपको दिया हुआ है ये, तो इस प्रकार ये जो है ऐसे टिक जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसको इसके एडेप्टर को जो है वो कनेक्ट करते हैं लाइट से और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। बहुत बढ़िया है, इसका फिनिशिंग काफी अच्छा है और यहाँ पर एक रबर ग्रिप दी हुई है, स्विच और बाकी सारी चीजें भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। ठीक है सर, वेरी गुड। पीछे से हवा को सक करेगा, खींचेगा और यहाँ से पूरे स्प्रे को आपको कलर को भी साथ में खींचेगा और ये आगे से आपके कलर को स्प्रे करेगा। हम आपको कलर का डेमो स्प्रे भी करके आपको दिखाएंगे, इसमें हम पानी भर के आपको बताएंगे कि आपको आइडिया आ जाए कि कैसे ये स्प्रे करेगा। चलिए हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें। देखिए हमने अभी सादा पानी लिया हुआ है, हो सकेगा तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कितना पानी डाल रहे हैं हम। 500 ml हमने पानी डाला हुआ है इसमें, आप देख पा रहे होंगे 500 पे आ गया ये। हो सकेगा तो हम इसको कलर भी ना के हम इसको बताने की कोशिश करेंगे फिर आगे। और जैसे ही हम इसको पुश करेंगे ये जो है ये इसका लॉक है, मैंने आपको पहले बताने में थोड़ी गलती हो गई, ये इसका लॉक है। अगर आप इसको खोल देंगे तो ये पानी खींचेगा और पानी आएगा, इसको आपको पानी नहीं चाहिए और सिर्फ हवा चाहिए तो इसको आपको लॉक कर देना है, तो सिर्फ आपकी यहाँ पे हवा लेने दिखेगी। देखिए अभी पानी नहीं आ रहा है, अभी मैं इसको लॉक कर दूंगा, अभी पानी आएगा, अभी पानी आएगा। और ये वाला जो स्प्रे है ये इसका अलग अलग टाइप में इसको स्प्रे करके करेगा ये, ये फैला हुआ आ रहा है, फैला हुआ आ रहा है, बहुत बढ़िया है, सही से काम कर रहा है। इसके फीचर वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं, मोटर की कैपेसिटी और मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। दीवार पे मार के बता दो। ठीक है, कौन सी दीवार पे लगा? तो चलिए अब देखते हैं ये गन कैसे काम कर रही है, यहाँ पर एक डेमो ले लेते हैं हम। देखिए ये पानी भरा हुआ है,